दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। स्थानीय नगरपालिका ने अपनी नियमित मासिक बैठक में आगामी वर्ष 2023-24 का वार्षिक बजट पास कर दिया है, जिसमें शहर के विकास पर बल दिया गया है। इस संबंध में आज नगरपालिका के चेयरमैन राम सिंह सोलंकी ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आगामी वर्ष में होने वाली अनुमानित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने शहर के विकास के लिए करवाए जाने वाले विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी और पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का उन्होंने क्या जवाब दिया। नमस्कार सभी को। आज नगरपालिका एलनाबाद के मेरे ऑफिस में मैंने सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है। इसमें मेन मुद्दा है 2023-24 का जो बजट पास हुआ है। कल हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमारे हाउस ने जो 23-24 का जो बजट है वो पास किया गया है। उस बजट को मैं आपके सामने पूरे एलनाबाद वासियों को, जिनका मैं जिन्होंने मेरे को बनाया है, मैं चाहता हूँ ये पारदर्शिता रहे और सभी को पता लगे कि भी हमारे कितनी इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर, क्या हम एक्सपेक्टेड यानी कि जो खर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में ये बजट है। पूरा मैं बताना चाहता हूँ इस बजट में जी। ऐसा है कि पिछले साल का जो बजट है उसमें करीब हमारा 11,56,56,00,000 लगभग यानी कि बकाया है और 23-24 में अनुमानित जो आय है, जो हमारी आय होने वाली है, वो लगभग 15,95,00,000 के करीब है, जिसमें से टोटल हमारी आय हो जाती है इस साल की 27,51,00,000 के करीब। इसमें हमने जो खर्चा करने का जो बजट बनाया है वो लगभग 23,07,00,000 के करीब है। अब इसमें से खर्चा करेंगे 4,44,00,000 करीब हमारा बैलेंस रहेगा, जिसमें कुछ हमारे सरकार को यानी कि कुछ पैसा भेजना होता है उसके तहत। ये हमारा बजट है 23-24 का जो है। इसमें अब जो इनकम जो हमारी है वो 15,95,00,000 है, तो मैं उसका आपको ब्रीफ थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या है, किस किस वजह से आता है। सोर्स ऑफ इनकम एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये है जी, हाउस टैक्स लगभग हमारा 55,00,000 का आता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है इस साल आएगा, ठीक है जी। और स्टाम्प ड्यूटी लगभग 1,50,000,000 की आती है। रेंट जो हमारे दुकानों का है जो उनका लगभग 45,00,000 रुपए सालाना आ जाता है। विकास चार्जेज आते हैं लगभग 1,00,000,000, डेवलपमेंट चार्जेस को बोलते हैं, ठीक है जी। और इलेक्ट्रिकल टैक्स जो बिजली का जो खर्चा आता है वो करीब 2,00,000,000 के करीब वो आता है साल का। ब्याज हमारा इस जो पैसा बढ़ा इसका 35,00,000 करीब इंटरेस्ट हो जाता है। और यूजर चार्जेज आता है 10,00,000 रुपये आता है यूजर चार्जेज। और ग्रांट है, ग्रांट में दो स्कीमें हैं सरकार की, एक सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है और एक स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उससे लगभग 9,13,00,000 रुपये करीब यानी एक्सपेक्टेड इस साल हमें ये मिलने का है। अन्य में करीब 3,83,00,000 रुपए और आ जाता है, किसी ग्रांट आ जाती है कोई एक्सपेक्टेड है जो पिछली बार उसे हम ले लेते हैं, तो टोटल ये हो जाता है जी 15,95,00,000 लगभग हमारा इस साल की इनकम आने वाली है। अब ये तो हो गया, इसके बाद खर्चा क्या करना हमने, उसमें लगभग क्या है जी कि जो 6,59,00,000 ये हमारा जो स्टाफ काम कर रहा है यहाँ पे उसकी सैलरी का है, जैसे जो परमानेंट स्टाफ है, ठीक है जी, डीसी रेट पे जो स्टाफ है, जितना भी कर्मचारी हैं, इन सब का लगभग सैलरी में 6,59,00,000 के करीब ये खर्चा हो जाता है, ठीक है। प्रशासनिक खर्चे हैं, इसमें करीब 85,00,000 करीब हो जाता है। और सफाई का जो है, पिछली बार ये कम था, इस बार हमने सफाई का ज़्यादा लिया गया, करीब 4,25,00,000 रुपये लिया गया, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड ये है कि हम प्रत्येक वार्ड में एक एक ई रिक्शा होगा डोर टू डोर। पहले तो यानी सब हमारे पास में 5 हमारे जो टाटा चल रही थी, अब इस बार जो टेंडर कर रहे हैं उसमें लगभग प्रत्येक वार्ड में एक ई रिक्शा होगा और 8 के करीब हमारे टाटा एस होंगे, 3 ट्रैक्टर ट्राली होंगे जो कचरा उठाने के लिए और ले जाएंगे, और जो कचरे का जो निष्पादन करते हैं पूरा का पूरा वहीं से ख़त्म करके उसको वो किया जाएगा, ठीक है। तो ये करीब हमने इस बार बढ़ाया क्योंकि मेन सफाई इलाहाबाद की, अगर साफ सफाई रहती है तो हमारा शहर काफ़ी साफ़ सुथरा रह जाता है जी। उसके बाद में रिपेयर वर्क्स है,
जैसे कि जो गलियां लगभग बन चुकी हैं, उस गलियों में रिपेयर, क्योंकि क्या कि लोग कभी पाइपलाइन डाल लेते हैं या कभी कुछ और अपना सीवरेज का कनेक्शन करते हैं, तो वो जो रोड हैं ऊपर नीचे होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, और बिल्डिंग जो हमारे मालूम है दुकानें जो बिल्डिंग है उनका रिपेयर का करीब 1,26,00,000 रुपये का हमने उसमें रखा है जी। ठीक है, देन विकास कार्यों के लिए हमने लगभग 10 करोड़ रुपये रखे हैं। विकास कार्यों में ये है कि कोई हमें जैसे लाइब्रेरी बनाने का हमने इस बार प्लान किया है, जो लाइब्रेरी बनाएंगे एक बड़ी, उसके बाद में मिनी स्टेडियम एक एक्सपेक्ट किया है मिनी स्टेडियम में, और नई जो गलियां बननी हैं, मान लो जैसे हमने अब नया एमसी एरिया को बढ़ाना है तो जो नई गलियां उन गलियों के लिए मिला के, और जो भी स्पेशली सुंदरीकरण के लिए वो भी करेंगे कि स्ट्रीट लाइट का, जैसे कि स्ट्रीट लाइट जितनी हैं उनके पास में जो पोल्स हैं उनके ऊपर वो एक ट्राई कलर का एक लगाया जाता है, तो उसमें यानी कि जो ही कोई बाहर से आता है तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, सफाई के साथ में ही सुंदरता का चौक है उनको हम सुंदरता में लेंगे। इसके लिए सारा एक कानून है, ये लगभग हमारा करीब यानी कि 23 करोड़ के करीब यानी कि ये होता है। मेरे पास बजटी कॉपी है, मैं आपको दे दूँगा, आप इसको यानी कि कर सकते हैं सर, ये हमारा बजट। आपने बीच में बताया कि आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, जैसे इनकम जो गृह टैक्स जो है, और इसमें रिकवरी को लेकर आप क्या कहेंगे कि कितनी रिकवरी हो जाती है? रिकवरी हमारी अच्छी यानी कि 70% से ऊपर रिकवरी थी पिछली बार, जो हरियाणा में अच्छी नगर पालिकाओं में से रिकवरी में है हमारी रिकवरी, ये मैं आपको बता देता हूँ, हमारी नगर रिकवरी सबसे बढ़िया बढ़िया जो नगर पालिका उनमें रिकवरी में आए हम, 70% से ऊपर रिकवरी हुई हमारी इसमें। लेकिन पीछे एक आरटीए की जानकारी से जो बात सामने आई कि करोड़ों रुपए अभी भी लोगों के पास बकाए हैं, उसको लेकर क्या नहीं, उसके लिए कल ही हमारा प्रस्ताव पास हुआ है भी, जितने भी बकाए हैं उनको नोटिस दिया जाएगा, उनसे रिकवरी करी जाएगी, और सरकार के जो डिपार्टमेंट उनके पास हमारा पैसा पड़ा हुआ है वो भी हम यानी सारी रिकवरी कर, मैं उसमें लगा हूँ सारा, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा ही टाइम, इस कोशिश कर रहे हैं सारी रिकवरी करके हम एलनाबाद को साफ सुथरा और अच्छा यानी कि विकास करे करके एलनाबाद को साफ सुथरा रख के ये श्योर करना चाहते हैं अभी एलनाबाद में हमारे काम हो रहे हैं। एक सचदेवा के सामने और एक पशु अस्पताल के सामने दुकान हाँ, उसका प्रॉब्लम ये है कि सरकार के जो रेट दो बार उनके यानी कि जो कटारिया स्वीटर्स के पीछे है उनका दो बार टेंडर हो चुका है लेकिन कोई लेना नहीं चाह रहा, क्यों सरकारी रेट जो बनता है वो थोड़ा ज़्यादा बन रहा है और बैक वो मिल नहीं पा रहा है, इसलिए उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको अब मैं उसके लिए नेगोशिएशन के लिए सरकार पास भेज रहे हैं वापस, उसको कम रेट पर करके जो मार्केट रेट उसके रेट के हिसाब से वो ले तो लगा देंगे, और जो पशु उपचार के पास में वो दुकानें भी बनी नहीं है उनका काम चल रहा है, जो भी बनेंगी तो उनको कर दिया जाएगा। एक और हमने पास किया कि जो कल के उसमें पास किया कि मैंने 3 जगह अपनी सब्जी की जो रेड़ियां लगती है इनके लिए वो हट बनानी है, एक तो जो अपना ये नहीं हाँ जो पुरानी रेलवे रोड के ऊपर जो चल रही है ना जो वहाँ पे यानी कि हमने 5x6 के हट बना देनी है सारी, रेड़ियाँ उनके नीचे खड़ी होंगी शेड लगा के, सुंदर लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमने सोचा जो पशु अस्पताल के पास से जो अपने रोड बनाई है ना जो पशु गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से लेकर पशु अस्पताल तक वहाँ भी यानी कि एक सेम बनाएंगे ताकि जो वहाँ के वार्ड हैं वो वहीं से सब्जी ले सकें। तीसरी हमने प्लान करी है वाल्मीकि चौक से और नहर तक जो जगह है वहाँ भी काफ़ी रोड चौड़ी है, वहाँ भी एक बनाएंगे तो ताकि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर वहाँ सब्जी लें। मैं चाहता हूँ भी जो पब्लिक सब्जी लेने जाए वो मार्केट में ना आए जी, अपने उधर से लेके वो लेके जाए, और ये हट है ये हट के नंबर दे के हम अलॉट कर देंगे सभी को, ताकि एक तो सबसे बड़ी बात ये आज जो जाम लगता है सीजन के टाइम पे वो इन रेडियो की वजह से बहुत ज़्यादा जाम लगता है, तो उनको कर देंगे तो वो अपनी वहाँ रेडियाँ लगा लेंगे, अब परमानेंट लगाएंगे अपनी वहाँ दुकान करेंगे, तो एक लोगों को पता लग जाएगा जाएंगे वहाँ, तो ये हमने एक प्लान किया है सुंदर इसको। एक एमसी जो का एरिया बढ़ाने की आपने बात करी है, इसका प्रपोजल बना के भेजा गया? नहीं, प्रपोजल हमने बना लिया है, पास हो गया हमारा, अब एक पटवारी की आवश्यकता है हमें, उसके हम लेटर जो पटवारी आएगा तो ये सारा काम यानी कि जो पिछली बार किया गया था उसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी उसको दोबारा करके वो यानी कि काम चल रहा है इसका जरूरी है। पहले सुनने में ये भी आया था कि कुछ जो सराउंडिंग एरिया है इलाहाबाद का वो पंचायत के अंदर आता है, उन्होंने इसका विरोध किया था, इसी हिसाब ने तो भेजा था इसको। एक्चुअली क्या उसमें क्या हुआ था, जो प्रस्ताव था ना, प्रस्ताव ये किया गया था कि ये पंचायत है, ये पंचायत का यानी कि इनका एनओसी चाहिए पंचायत का, लेकिन उसमें अगर प्रस्ताव में ये कर देते भी जो एरिया हम ले रहे हैं उस एरिया के जो लोग
रह रहे हैं वो वोटर तो यानी कि अलनाबाद के हैं, ठीक है, और जो जमीन है वो पंचायत की है, लेकिन उस जमीन से यानी कि पंचायत को कोई फाइनेंशियली नुकसान नहीं हो रहा है, ये अगर उसमें लिख देते तो शायद वो एनओसी नहीं मांगते। जिस प्रकार से ये अपना रूपनगर है, रूपनगर में सारा कुछ अपना अलनाबाद के है सारा, लेकिन हाँ वार्ड में है, लेकिन वो जो एरिया उनका, तो उस एरिया को अगर मान लो पंचायत को देते पंचायत को यानी फाइनेंशियली नुकसान नहीं होता है। तो ये अहम सवाल रहेगा कि शहर में डस्टबिन लगाए गए हैं और उन डस्टबिनों की खरीद, लोगों का मानना है कि एक ऐसे पोर्टल से खरीद की गई है कि उसका एडमिन एक प्राइवेट और जैसे रेट मर्जी भरे जा सकते हैं, और वो जो डस्टबिन है बताया जा रहा है कि उनकी कीमत बाजार की कीमत से 3 गुना चार्ज की है, क्या आपके संज्ञान में ये मामला है? मेरे पास जो जो जेम पोर्टल जो है वो सरकार का ऑथराइज्ड जेम पोर्टल है, ठीक है, हमें कल एक बताने से नहीं है, मैं बताता हूँ मेरे जैसा जी, जो है जेम पोर्टल जो है वो सरकार का अथोराइज यानी जेम पोर्टल है, और सरकार कहती है कि आपने जो चीज़ खरीदनी है जेम पोर्टल पे एक ऑनलाइन सिस्टम है सारा, ये नहीं है कि आपने ऑनलाइन लगाते उस पर टेंडर लगते हैं जी। कोई भी चीज़ खरीदना है टेंडर लगेंगे, टेंडर में जो लोवेस्ट रेट होगा वो पास होगा, सरकार की तरफ से पास है वो करते हैं, यानी कहने से कुछ भी गलत, सरकार का जो सरकार के नॉर्म्स में अगर सारा कोई काम खरीदा जाता है ना तो वो एक सरकार के जैसे ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम में खरीदेंगे तो कोई भी यानी कि नहीं कह सकता, जो लोवेस्ट रेट होगा उस रेट से खरीद जाते हैं जेम पोर्टल, सरकार ने कहा भी जेम पोर्टल से खरीदो ऑनलाइन सिस्टम, दो ही सिस्टम है, और बाकी आप कोटेशन से तो यानी लगभग मन 1 लाख से नीचे कोई आप कोटेशन से खरीद सकते हो तो वो भी नहीं, ठीक है। ये देखिए ये तो सोशल काम है, उनका काम करना, मेरी जो हेल्प होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, सोशल जी भी समाज मेरे पास है कि हम लगाना चाहते हैं, जितनी हमारे नगर पालिका से जो हेल्प होगी हम करने की कोशिश, बरसाती पानी की निकासी के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा था सही चल रहा है वो, यानी कि जो पाइपलाइन डलती गई है शहर में पाइपलाइन नहीं गई है, और जहाँ पे डिस्पोजल जहाँ पे हमने पानी इकट्ठा करना वहाँ तक पाइप चली गई है। अब क्या है कि मोटरों के लिए मेरी कल एसडीओ से बात हुई थी, एसडीओ साहब और एक्सएन साहब दोनों वहाँ महाराष्ट्र में एक है जहाँ से वो मोटरें खरीदनी है, और पाइप जो आगे जो पाइप जानी है जो प्लास्टिक वाली पाइप है वो ऊधम सिंह चौक से लेके और लगभग अमृतसर कलां तक पूरी हो गई है, और ऊधम सिंह चौक से लेकर डिस्पोजल तक अभी यानी कि 10-15 दिन पहले पाइप आ जाएंगे, वो पाइप डल जाएंगी, वो डलने के बाद मोटर लग के पानी लगभग काम चल रहा है, उम्मीद है कि बरसात से पहले पूरा हो जाए ऐसे में, और मैं चाहता हूँ ये हो तो एक बहुत बड़ा, और कल हमने एक और भी कर दिया है कि जो ये अपना टिब्बी अड्डा है, टिब्बी अड्डे पानी उसका कोई निकासी का उसका भी हमने कल प्रस्ताव पास कर, टिब्बी अड्डे से लेके और वाया मिनी बाईपास होते हुए यहाँ पे क्या हमने अपना डिस्पोजल तक जहाँ पानी इकट्ठा है वो पानी यहाँ लेके आएंगे, यहीं से उसे मोटर उठा के कर कर डाल देंगे बारिश में बरसाती मौसम। ये सर ट्रैफिक की जो समस्या रहती है अलनाबाद में काफ़ी देखने को मिल रही है, तो ट्रैफिक पुलिस तो काम कर ही रही है, नगर पालिका क्या कर रही है उसके लिए? देखिए ट्रैफिक पुलिस में यानी कि नगर पालिका को बताओ क्या है? मतलब मेन तो जो चलान का कोई कई बार सामान दुकानदार बाहर सामान का अभी मैंने कल ही फाइनल किया है कि हमने यानी कि सामान उठाना नहीं है वहाँ से, हमने सामान उसका देके फोटो खींच कर उसका चलान कर देना मौके पे, सामान नहीं उठा के ले जाएंगे हमारी, क्योंकि सामान उठाने से वीडियोग्राफी होती है, सामान कोई कहता ज़्यादा कोई कम है, इसलिए हमने कल किया, अभी कल से जब भी जाएंगे हमारे आदमी जाएंगे, ठीक है, वो देखें अभी कोई सामान बाहर रखा है तो उसको अंदर रखा के उसका फोटो करके चलान भेज देंगे इस सिस्टम पर। बाकी मैं आप लोगों से स्पेशली क्योंकि आप हमारे अलनाबाद के आईना हैं, क्योंकि अलनाबाद से बाहर जाएगी वो सारे आईना आप दिखाते हो अभी किस प्रकार, उसमें आप लोगों से इतनी उम्मीद करता हूं कि आप इसमें साथ देंगे, और लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि हमारे क्योंकि हमें कुछ कानून के तहत भी काम करने पड़ते हैं तो हमारा साथ दें ताकि अलनाबाद को हम ठीक तरीके से चला सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का।